मेरा नाम सारिका है और आज मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, अगर मैं बोलूँ, जुड़ी है मे बी 2018 नवंबर से, लेकिन उससे पहले बहुत साल पहले, मे बी 2007 2008 में, मेरी सिस्टर अमेरिका में रहती है और वो बार बार मुझे आके ये बोलती थी कि गुरुजी हैं, उनके पास जाया कर, क्योंकि कुछ दिक्कतें चल रही थी ज़िंदगी में, लेकिन मैं उनसे छूट नहीं पाई उन दिक्कतों से और मैं गुरुजी के पास, हाँ, टालती रहती थी। जैसे बहुत सारे संगत का भी हम सुनते हैं कि टालते जाते हैं, हम टालते जाते हैं, हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे, क्योंकि जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तो मैं वैसे भी नहीं पहुंच सकती थी उनके पास। तो ऐसे जिंदगी चलती रही, बहुत उतार चढ़ाव आते रहे जिंदगी में। फिर फाइनली जब मेरी सिस्टर आई अमेरिका से, उसने फिर से मुझे बोला कि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने बोला कि मैं गुरुजी के पास गई हूँ और उसको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी उनके उसके बेटे को, तो उसने बोला मेरे बेटे ने जाके वहाँ पे बोला कि इतनी शांति मिलती है, इतना स्वच्छ वातावरण है कि मुझे वहाँ पे जाके सांस आया, तो तू एक बारी तो चल, एक बारी तो चल। तो फिर भी नहीं हो पाया, नहीं जाना हो पाया मेरा। तो अराउंड 2014 या 2015 की बात है, दो चीज़ें हुई थी ज़िंदगी में। मेरा फ्रोज़न शोल्डर हो गया था और फ्रोज़न शोल्डर की वजह से मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, मैं फिजियोथेरेपी भी करा रही थी, कपड़े चेंज करने में भी इतनी दिक्कत होती थी कि मुझे हेल्प लेनी पड़ती थी। और मेरे डैडी भी ने भी खाना पीना बंद कर दिया था और वो रिड्यूस होके गठरी जितने, बेसिकली इतने ही हो गए थे, श्रिंक कर गए थे इतना सा, तो उनको देख के भी तकलीफ होती थी। तो आई थिंक इट वॉज 2015, दशहरा था और मेरी सिस्टर लॉ घर आया, मेरे घर आई और उन्होंने बोला कि ये गुरुजी हैं, तो चलो हम चलते हैं, आज ना भीड़ भी नहीं होगी, तो सब बिजी होंगे दशहरे में, तो शायद गुरुजी का ही बुलावा था। एकदम से हमने बोला अच्छा जी चलो चलते हैं, बार बार मेरी सिस्टर भी बोलती थी चलते हैं, तो चलो चलते हैं। तो हम सब तैयार हो गए, वहाँ पे गए, तो वहाँ पे हमें समझाया गया कि जल प्रसाद क्या होता है, चाय प्रसाद क्या होता है, और जो भी आपको मिलेगा वो आपको पूरा खाना है, तो इतना उन्होंने बताया। तो वहाँ पे हम पहुँचे, समाधि का ये हमने परिक्रमा की और जब हम गुरुजी के दरबार में पहुँचे और वहाँ पे हार्डली हमें मुश्किल से 40 लोग ही होंगे, तो बिल्कुल ही खाली था, इतने खुले दर्शन पहली बार जाकर कि हम बड़े आराम से मत्था भी टेक पाए, वहाँ पे हम बैठ भी पाए। और जैसे मैं गुरुजी के सामने जाके खड़ी हुई, तो मैं काफ़ी लोगों के लिए प्रेयर्स करती हूँ, तो वो सारी प्रेयर्स दोहरा के और स्पेशली अपने डैडी के बारे में बोलकर कि मेरे डैडी को ठीक कर दो गुरुजी, कि वो इतने से हो गए हैं, और अगर हो सके, सबकी प्रेयर्स करने के बाद, और अगर हो सके तो मेरा कंधा भी ठीक कर देना। और संगत जी, जब मैं घर पहुंची तो मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक था, मेरे को बिल्कुल भी इतना सा पेन नहीं था। तो तब नादानी भी होती है, लग तो रहा था कि कुछ तो मिरेकल हुआ है कि गुरुजी ने शायद मेरी सुन भी ली है, लेकिन वहाँ से साथ फिर दोबारा से छूट गया। शायद एक ये टच था जो गुरुजी ने मेरे को मेरी ज़िंदगी में देना था और फिर आगे हम चलते रहे। और फिर ज़िंदगी में दिक्कत आई 2018 में, अराउंड मार्च में कुछ प्रॉब्लम आई ज़िंदगी में, तो जाके गुरुजी के दोबारा याद आई, तो या उनका बुलावा दोबारा से आया कि तू मैनू भुल गई है। तो मैं जब वहाँ पे गई तो गुरुजी के दरबार में मत्था टेका, फिर मांगा, उनके झूले के सामने बैठ के अरदास भी करी कि गुरुजी ये दिक्कत हमारी सॉल्व कर दो, और आई थिंक इन मई वो दिक्कत हमारी सॉल्व भी हो गई थी। तो फिर क्यूरोसिटी गुरुजी के बारे में थोड़ा सा बढ़ने लग गई और फिर मेरी सिस्टर लॉ ने मुझे एक सत्संग भी भेजा और एक भजन भी भेजा, अंदर वो भजन बहुत टचिंग था, मेरे सतगुरु जी मैं ते मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हूँ। और मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, तो जब मैं स्कूल जाती थी तो सुबह मैं वो भजन बार बार सुनती थी एंड आई यूज टू स्टार्ट क्राइंग,
बार बार दर तेरे ते आई हुई हाँ। तो ये क्यूरोसिटी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में साथ 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 होने लग गई और मैंने गुरु जी के बारे में और जानना शुरू कर दिया। अब मेरा सहारा खाली यूट्यूब ही था, तो यूट्यूब पे कितने सारे सत्संग सुने लोगों के कि कैसे कैसे मिरेकल्स हुए हैं, कैसे गुरु जी ने सबकी लाइव्स को टच किया है। और ऐसे करते करते मेरी एक फ्रेंड है मिनी आंटी, तो उनके घर में सत्संग था और उन्होंने बोला कि मैं कोई मंडली वगैरह को नहीं बुलाती, मैंने अपने ढंग से जो मेरे पसंद के भजन है आई हैव केप्ट इट रियली सिंपल। तो मैंने पहली बार जाके सत्संग वहाँ पे अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में भी इच्छा हुई कि इफ़ इट इज़ दैट सिंपल मैं अपने घर में भी कर सकती हूँ। तो ऐसे सफ़र थोड़ा सा गुरुजी के साथ जुड़ने लग गया और मे बी इट वॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019। मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन एज आई टोल्ड यू, तो मैं प्री बोर्ड के पेपर्स चेक कर रही थी और जैसे मैं पेपर्स चेक कर रही थी और साथ साथ में ऐसा होने लग गया कि मैं मैथ्स की टीचर हूँ तो मैं मैथ्स के पेपर्स म्यूज़िक के साथ चेक करती हूँ। तो पता नहीं क्या मेरे अंदर से पिछले 2-3 महीनों के साथ हो रहा था कि मैं खाली भजन ही सुनती थी और मैं भजनों के साथ ही मैथ्स के पेपर्स चेक कर रही थी। और रात को 2:30 बजे के करीब होंगे और मुझे गुलाबों की खुशबू आई, घर पे बैठे बैठे मुझे इतनी गुलाबों की खुशबू आई। तो क्योंकि सत्संग सुने हुए थे तो समझ आ गया ये गुरुजी ने ही दर्शन दिए मुझे, जय गुरुजी कि आपने मुझे चुना। और इस बात का बहुत बहुत शुक्राना कि तब थैंकफुली ज़िंदगी में ऐसी दिक्कतें नहीं थी, बट उन्होंने मुझे अच्छे टाइम में चुना कि मैं बार बार परेशान नहीं हो रही थी, आई वॉज इन अ गुड फेज ऑफ लाइफ और बस एक मेरे को साथ था कि मुझे गुरुजी का साथ चाहिए था शायद, तो इसलिए मैं इतनी क्यूरियस हो रही थी। तो जब गुरुजी की खुशबू मेरे को आ गई तो मुझे समझ आ गया कि आई एम द चोजन वन, शुक्राना गुरुजी। और फिर मेरे मन में भी विचार आया कि मैं अपने घर में भी सत्संग करूं। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में हूं, मेरी देवरानी नीचे रहती है ग्राउंड फ्लोर पे, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूं। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे गुरुजी को अपने घर बुलाना है। तो मैंने प्लान किया था कि 10th February ऑफ 2019 को मैं सत्संग ऊपर कराऊंगी और दैट वाज अ संडे। और मैंने अपनी देवरानी को बताया, अपने मदर लॉ को बताया, तो मेरे मदर लॉ ने बोला तू उत्ते कराएंगी तो कोई भी नहीं आ पाएगा। मैं क्या मम्मी जिन्ना दे दर्शन लिखे हुए ने वो तो ज़रूर पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं कि होता है। तो मेरी देवरानी ऊपर आई और कहती है भाभी मम्मी का भी मन है तो क्यों ना आप 10th को नीचे कर लो, लेकिन क्योंकि आपने सुखा हुआ है कि आप ऊपर करना चाहते हो तो 1 February को आप घर पे कर लो ऊपर। अब जिस दिन वो मेरे से बात करने आई दैट वॉज 30th January, तो मेरे पास खाली 2 दिन थे। कहाँ मेरे को 10th February में करना था तो मेरे पास टाइम इतना था, सडनली 2 दिन के अंदर मुझे गुरुजी का सत्संग अपने घर पे करना था। थैंकफुली उस दिन मैं चोला खरीद आई थी, मैंने सिलने दे दिया था, सब काम मिनी आंटी मेरे को गाइड कर रही थी तो वो हो रहा था। लेकिन सडनली मुझे 2 दिन के अंदर सब कुछ करना था। जो चोला मुझे मिलना ही सैटरडे को था वो मैंने फटाफट बोला कि वो आप जल्दी करवा दीजिए, लेकिन मैं अंदर से बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मैं मिनी आंटी को भी 2 बारी नहीं बोल सकती थी कि गाइड करने के लिए आप मेरे घर आ जाओ, कि आप 10th को भी आओ फिर आप 2nd को भी आओ। तो 1st को जब मैं और मिनी आंटी स्कूल से आ रहे थे, मैं मिनी आंटी की गाड़ी में स्कूल से आ रही थी और सर्दियों के दिन थे और मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं उससे पूछ रही थी अच्छा फिर ऐसे करेंगे, फिर रंगोली बनाएंगे, फिर कैसे करेंगे। तो हालांकि वो मुझे गाइड करती जा रही थी लेकिन एक मन में लगता है कि कहीं हाय मैं गलत ना हो जाऊं। तो सडनली क्या हुआ कि गाड़ी में जो फ्रॉस्ट जमती है, जब ठंड होती है तो आप देखते हो कि विंडस्क्रीन पे फ्रॉस्ट जमती है, सडनली माई साइड मेरी साइड पे फ्रॉस्ट जम गई। जिस मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, मैं दूसरी साइड पे बैठी थी, मेरी खिड़की पे फ्रॉस्ट जम गई, मेरी पीछे वाली खिड़की पे फ्रॉस्ट जम गई। मिनी मेरी राइट को बैठी हुई थी, उसकी खिड़की पे फ्रॉस्ट नहीं थी। तो उसने देखा और उसने कहा कि तेरी खिड़की पे फ्रॉस्ट है, तेरी पीछे वाली खिड़की पे फ्रॉस्ट है, तो यहाँ पे फ्रॉस्ट क्यों नहीं है। तो मेरा स्कूल शेखसराय में है, तो हम जब जीके पहुँचे मैंने उससे बोला, मैंने कहा मिनी
देखो खुशबू आई। वो कहती है नहीं, मैंने कहा मुझे तेरी गाड़ी में खुशबू आ रही है, तो कहती है नहीं मुझे तो नहीं आई। फिर हम और आगे चले, अलकनंदा पहुंचे, मैंने कहा मिनी मुझे फिर खुशबू आई, तुझे खुशबू आई? कहती है नहीं मुझे तो खुशबू नहीं आई। कहती है गुरु जी तेरे साथ है, ये जो फ्रॉस्ट जमने का मतलब है, ये खुशबू तो आने का मतलब है कि तू घबरा मत, गुरु जी तेरे साथ हैं। और मैं फरीदाबाद रहती हूँ, तो हम जब टॉल उतरे, टॉल पे जैसे उतरे, मुझे गुरु जी की आवाज़ सुनाई दी, क्यों घबरांदी पई है, मैं तेरे नाल हाँ, जय गुरु जी। दैट इज़ वैन कि मेरा कनेक्शन बन गया सर, क्योंकि यही बार बार सुनते हैं कि आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो मेरा तो गुरु जी से कनेक्शन वहीं पर बन गया। और फिर मैंने मिनी आंटी को भी ये बोला कि देखो, कहते ये तो गुरु जी ही थे। और जैसे उन्होंने मुझे अब मेरे घर पे उतारा, सारा कुछ मैंने समझ लिया उनसे, और जैसे दरवाज़ा खोला तो वो फ्रॉस्ट गायब। तो कहती गुरु जी गए, मैंने कहा गुरु जी ऊपर गए, मेरे घर पे गए। तो फिर मेरे घर में मैंने सत्संग करा, अकेले करा, बार बार मिनी आंटी को सारा कुछ सिंहासन को सजाकर, गुरु जी को वहाँ पे जैसे भी विराजमान करके, उनका चोला बिछाकर, जोत जगा के, सारी गाइडेंस ले लेके पिक्चर भेजती रही कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे मेरे घर में पहला सत्संग हुआ जिसमें मैं और मेरी देवरानी ही थी खाली, और हमें बहुत बहुत शांति महसूस होती है जब हम गुरु जी का सत्संग करते हैं, और हम दोनों मिलकर ही सत्संग करते रहते हैं। हमने कल भी किया है दोनों ने मिलकर सत्संग। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक फिर से एक सत्संग, तो कहाँ मैं गुरु जी से एक सत्संग मांग रही थी और उन्होंने मुझे दो सत्संग बख्श दिए। एक ही हफ्ते में दो सत्संग हो गए मेरे घर में, जय गुरु जी। फिर जब सत्संग हुआ और बहुत अच्छी तरह हुआ, मिनी आंटी भी आई और संगत भी आई, और सब ठीक ठाक हो गया, और ऐसा ही मेरा सफ़र गुरु जी के साथ जुड़ना शुरू हो गया। तो जिस दिन वो वाला सेकंड वाला संगत सत्संग हुआ था हमारे घर में, तो मिनी आंटी की बेटी का वीज़ा नहीं लग रहा था ऑस्ट्रेलिया जाने का। वो तीन बारी टिकट खरीद के कैंसिल करा चुकी थी कि उसका वीज़ा नहीं बन रहा था, और उसने ये सत्संग भी वहाँ पे शेयर किया था। तो जैसे ही मैं घर अपने ऊपर आई, तो मुझे फिर से गुलाबों की खुशबू आई, और जैसे गुलाबों की खुशबू आई, मैंने फटाफट गुरु जी को बोला, मैंने कहा तान्या का वीज़ा लगवा दो गुरु जी, वो बहुत परेशान हो रही है। और तीन दिन के अंदर अंदर ये मिनी आंटी ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उसका वीज़ा आ गया, जय गुरु जी। और फिर ऐसे सफ़र आगे बढ़ता रहा। एक अब ये बहुत स्ट्रेंज सा सत्संग सुना रही हूँ कि मैंने जनवरी 2019 में टिकट्स बुक करा ली थी अमेरिका जाने के लिए अपनी सिस्टर के पास, बट उस दौरान आई थिंक फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च मेरे फादर लॉ की बहुत तबीयत खराब होने लग गई। ऐसे होता था कि वो दो हफ्ते हॉस्पिटल जाते थे, एक हफ्ता घर आते थे, फिर दो हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट होते थे। तो हम गुरुजी से भी प्रे कर रहे थे कि उनको ठीक रखो और बिल्कुल अच्छी तरह भले चंगे कर दो कि वो अपना काम खुद मैनेज कर पाएं। और ऐसे आना जाना लगा रहा हॉस्पिटल, और हमारे जाने की डेट आ रही थी, बहुत पास आ रही थी, और मुझे राहत समझ नहीं आ रही थी कि क्या हम अमेरिका जाएं या नहीं जाएं। तो हम चारों, वी आर अ फैमिली ऑफ फोर, तो हमने चार जनों ने जाना था, मेरी दो बेटियां और मेरे हस्बैंड ने जाना था, बट समझ नहीं आ रहा था कि हम जाएं या नहीं जाएं। तो फिर गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप ही राह दिखाओ, आप बताओ कि हम जाएं या नहीं जाएं। तो आँख बंद करके मैं, ये मेरे गुरुजी का स्वरूप है, मैं यहाँ आँखें खड़े होकर उनसे बहुत बातें करती हूँ। तो मैंने जैसे ही बंद की आंखें, तो गुरुजी ने बोला चिंता ना कर, मैं उन्होंने बांह फड़ी हुई है, तू जा। तो जब मुझे ये संकेत मिल गया, मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर किया, मैंने अपने मदर लॉ को भी बताया, सिस्टर लॉ को भी बताया कि गुरुजी ये कह रहे हैं। तो वो कहते हैं आगे देखते हैं, वी विल टेक दिस डिसीजन, 15 मई के आसपास ये डिसीजन लेंगे। तो 15 मई भी आके डैडी में थोड़ा सा सुधार होने लग गया था, बट ही वॉज स्टिल नॉट एब्सोल्युटली ऑलराइट। लेकिन सबने बोला कि अब क्योंकि थोड़ा सा बेटर हो गए हैं, तो तुम लोग जाओ। तो मैं बड़े मंदिर गई वहाँ पे शुक्राना करने के लिए गुरुजी को, और वहाँ पे जब हम लाइन में खड़े हुए थे बाउंड्री वॉल के बाहर, तो मैंने फिर हाथ जोड़ के शुक्राना किया गुरुजी को। तो गुरुजी ने बोला हुन खुश हैगी हैं? तो मैंने कहा गुरुजी लेकिन राह दिखाओ, क्या संजय अंकल भी मेरे साथ चलें,
या नहीं चले ये राह दिखा दो। तो फिर अंदर गए, लंगर प्रसाद किया और वापस आए, घर वापस आए। तो 2 दिन के अंदर हम ये डिसाइड कर पाए गुरुजी की दया से कि संजय की टिकट हम आगे करेंगे। तो हम लोग ठीक ठाक वहाँ पे अमेरिका पहुँच गए और मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर लिया। थोड़ा लेट आए थे वो, 9th तक आ गए थे। और अभी डैडी की तबीयत डावाडोल थी, लेकिन गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि डैडी नू कुछ हो नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने क्या सी मैं बांह फड़ी हुई है। तो वहाँ पे हार्डली 10 डेज ही रह पाए मेरे हस्बैंड कि हमें वहाँ पे फ़ोन आ गया कि डॉक्टर ने बोल दिया कि आप वापस आओ। तो हम वहाँ पे अमेरिका में इंटरनली घूम रहे थे, तो जहाँ पे हम घूम रहे थे तो मैं गुरुजी से लड़ी भी। मैंने कहा गुरुजी आप ये बताओ कि आपने तो बोला था कि मैं बांह फड़ी हुई है, फिर ये क्यों? तो उन्होंने फिर बोला चिंता क्यों कर दी है, तू आ जा, मैं बांह फड़ी हुई है। तो फिर हमने फिर टिकट्स चेंज कराई। माय हस्बैंड लैंडेड ऑन 20th, आई लैंडेड ऑन 22nd। और जब एयरपोर्ट पे भी बैठी हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, तब भी मैं गुरुजी से फिर वहाँ पे भी बैठ के लड़ रही थी, गुरुजी आपने बोला था कि आपने बांह फड़ी हुई है, डैडी ने कुछ होन ना देना। तो कहते हैं तू आ जा, मैं बांह फड़ी हुई है, तू आ जा। और हम 22 को लैंड करें और 22 सैटरडे था, हम सीधा एयरपोर्ट से हॉस्पिटल गए। और थैंकफुली बहुत बहुत शुक्राना कि इज्जत की भी बात थी मेरी भी और गुरुजी की, कि डैडी फिर भी थे। हम वहाँ पे गए और डैडी ने हल्का सा हाथ भी उठाया रजिस्टर करने के लिए कि हम आ गए हैं, डैडी देखो हम वापस आ गए हैं। और दिस वॉज 22nd, 23rd, 24th सुबह गुरुजी की आवाज़ मुझे आई और उन्होंने बोला हुन ले जावा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो बोला हुन ले जावा, तो मैं क्या हुन अगर ले जाओगे तो फिर अपने कोल रखना, तो इस मनुष्य का जड़ा भी जीवन हैगा बार 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 असं खाते रहते हैं सर्कल्स, उन्हें ना भेजना, फिर अपने कोल ही रखना। एंड 25th ईवनिंग माई फादर इन लॉ गुरु जी के पास चले गए। जय गुरु जी कि आपने इज्जत भी रख ली। और जो भी मेरा विश्वास था वो शायद और कम्प्लीटली पक्का होता गया आप में, और ये आपकी ही मर्जी से सब कुछ हुआ कि हम जा भी पाए, हम आ भी पाए टाइम पे। और जो भी फिर जिंदगी आगे गुजरती गई, निकलती गई, और काफ़ी मेरे एपिसोड्स होते रहे गुरुजी के साथ। एक उसमें से ये बताऊंगी कि मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ी हुई हूँ, किसी भी संगत के साथ ऐसे ग्रुप में गुरुजी की संगत के साथ, क्योंकि मुझे हो सकता है ये गुरुजी की मर्जी के साथ ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता, आई मे बी रॉन्ग। बट किसी ग्रुप के साथ जुड़ने से मुझे लगता है कि कंपल्सरली आई सी लोग जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी लिखते जा रहे हैं, हर एक की श्रद्धा उसके साथ है। मैं बहुत बड़ी रिलीजियस भक्त नहीं हूँ, मुझे स्क्रिप्चर्स नहीं आते, बट एक गुरुजी ने शायद मुझे राह दिखा दी है कि जिंदगी में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और हम कोई तो हमारे को पावर है ना जो कंट्रोल कर रहा है, और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ये मुझे समझ आ गया कि उनकी लीला अपरंपार है और उनकी मर्जी से ही सारा कुछ हो रहा है। तो अगर ये मैं आपके सामने बैठ के बोल भी रही हूँ, ये भी उनकी मर्जी है, मेरी जो विचारधारा है, जो मेरी भावनाएं हैं, शायद वो भी उनकी मर्जी से है। सो विद नो ऑफेंस टू एनीबडी, ये मेरी अपनी सोच है कि मैं किसी ग्रुप के साथ इसलिए नहीं जुड़ी हूँ। मुझे लगता है कंपल्सरीली अगर कुछ आता है तो आपको क्या रिस्पॉन्स देना ही पड़ता है। तो मैं आई केप्ट अवे फ्रॉम ऑल दिस, और भोले भाव मिले रघुराई के हिसाब से चलती रही जिंदगी में, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और एक ये मिला कि जब मैं सत्संग में जाती थी तो मुझे दिखता था कि एक क्वेश्चन जो होता है गुरुजी का, एक पे ओमकार लिखा होता है और एक पे ओम होता है। लेकिन जब मेरे घर पे सत्संग हुआ था तो आई डेंट हैव दिस नॉलेज, तो मैं भोले भाव में बहुत सुंदर क्वेश्चन लेकर आई थी और वही चलते आ रहे थे जितने भी सत्संग मैंने किए। तो बबली आंटी के घर में सत्संग था, उन्होंने मुझे बुलाया कि तू अपने घर में कर चुकी है, वो भी पहली बार करा रही थी, और तो तू आके ना सारी रंगोली वगैरह सजा जाइयो, तो ये सारा कुछ कर जाइयो। तो मैंने कहा ज़रूर। तो मेरे पास चोला भी था, सब कुछ था, तो मैं सारा सामान ले गई और वहाँ पे मैंने सजाया, तो मैंने दोनों कुशन्स वहाँ पे सजा दिए।
और सजाकर मैं अपने घर आ गई प्यार प्यार रोने के लिए। और जब मैं वापस गई तो वहाँ पे उन्होंने संगत को ही बुलाया हुआ था, जो संगतें आके करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं सब कुछ का। तो उन्होंने वो कुशंस हटा कर अपने कुशंस रख दिए थे ओमकार और ओम वाले। और जो मैंने गुरुजी का साफा भी रखा था उन्होंने वो भी चेंज कर दिया। तो वहाँ जाके थोड़ा सा लगा कि मेरे हिसाब से गुरुजी भाव देखते हैं, और या आप किसी और भी गॉड को भी देखो वो आपका भाव देखते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी है सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में। तो मुझे आई फेल्ट अ लिटिल हर्ट कि ये उन्होंने क्वेश्चंस क्यों बदले, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो और जब मैं बात करती हूँ तो सीधा गुरुजी से बात करती हूँ, तो ऐसा क्यों, क्या ये नॉर्म है, क्योंकि मेरे को कहीं से गाइडेंस तो नहीं थी, मैं अपने हिसाब से करी थी, तो क्या ये नॉर्म है कि यही क्वेश्चंस होने चाहिए। तो मेरे को मौका नहीं मिल रहा था, दो तीन फ्रेंड्स के साथ टाई अप करने की कोशिश करके बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी कि जाके देख कर आऊँ कि गुरुजी के सिंहासन में क्या ऐसा होता है, और नहीं जा पाई। तो एक दिन मौका मिला अकेले जाने का, और थोड़ा सा ऑड भी लग रहा था क्योंकि कभी ना कभी किसी के साथ ही गई हूँ, लेकिन वहाँ पे पहुँची तो अकेले लाइन में लग रही थी, थोड़ा ऑड लग रहा था। तो जैसे ही मैंने पार्किंग के बाद चलना शुरू किया तो एकदम से अपने आप ही जो टैक्सी सर्विस है उन्होंने आके मुझे बोला आंटी जी तुसी कर ले हो, आओ जाओ बैठ जाओ। तो मुझे वो झिझक भी खत्म हो गई, वहाँ भी गई तो काफ़ी तसल्ली के साथ ये प्रेयर करती हुई जा रही थी गुरुजी से कि गुरुजी मैनू अज तुहाडे सामने बैठना है, मैं तुहाडा सिंहासन अज ऑब्जर्व करना है कि मैं की गलत कर रही हूँ कुछ, मैनू तुसी गाइडेंस दो। और मैं गुरुजी के पास वहाँ पे बैठी गुरुजी की, फिर जैसे मुझे आवाज़ सुनाई थी गुरुजी ने मेरे को बोला तेनू कोई जल्दी आज, मैं कह नहीं गुरुजी कल ही आई हाँ, बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं है, कोई नाल होंदा तो तुहानू होंदा कि जल्दी चलो, अच्छा चलो उठो, मैं कह मैं बिल्कुल बिल्कुल फुर्सत में आई हाँ, तुसी मैनू जदों बोलन बोलोगे जान वास्ते ते मैं ताई जावांगी। मेरे को गुरुजी के दरबार में बिल्कुल उनके आसन के सामने जगह मिली, और मैं बिल्कुल क्लियरली देख सकती थी गुरुजी के दोनों कुशंस पे ओम और ओंकार नहीं था उस दिन। तो जय गुरुजी, आपने मुझे सिग्नल दे दिया कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं गलत नहीं कर रही हूँ। और जो मेरे आसपास की संगत थी, जितने भी सेवादार थे, बार बार उनको उठाई जा रहे थे, मेरे को किसी ने बोला ही नहीं उठने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बैठाया हुआ था वहाँ पे। तो गुरुजी ने बोला कि बैठी रह, तो मैं बैठी रही, और 15 मिनट में वहाँ पे बैठी रही, जो कि बहुत रेयर बात होती है कि आप गुरुजी के सिंहासन के सामने 15 मिनट और आपको कोई नहीं उठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद सेवादारों ने बोला कि चलो जी बहुत देर हो गई, उठ जाओ। तो जय गुरुजी फॉर गाइडिंग मी ऑन दैट ऑल्सो। तो काफ़ी चीज़ें हैं जर्नी में जो क्लियर भी होती रही, और जिसमें मेरा डायरेक्ट कनेक्शन था, क्योंकि बार बार डायरेक्ट कनेक्शन के लिए बोलते, तो मेरा ये डायरेक्ट कनेक्शन से ही सारा कुछ मिलता गया है। और ये गुरुजी का स्वरूप के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी, ये मेरा पहला स्वरूप है जो मुझे मिला था, और ये भी कैसे मिला था ये इसकी भी कहानी है। और जब मेरे घर में सत्संग होना था पहला, और मेरे पास तो स्वरूप था ही कोई, हालांकि मेरी आंटी ने बोला था आप मेरा स्वरूप ले जाना, लेकिन मेरे को बड़ी इच्छा थी कि मुझे स्वरूप मिले। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि स्वरूप सीधा बड़े मंदिर से मिलता है और तब आपको फ्रेम करवाना होता है। तो जहाँ से मैंने चोला वगैरह लेने गई थी उस मार्केट में एक फ्रेम करने वाले की दुकान थी, तो वहाँ पे मैंने एक बार ही देखा था कि गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे जाके पूछा, मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप है, कहते ऐवें तो मिलता नहीं है। कहा हाँ ये एक स्वरूप आया हुआ है, इनकी बात कर रही हूँ कि ये वाला स्वरूप आया हुआ है, और मेरे पास 2 हफ्तों से ये स्वरूप पड़ा हुआ है, 4 दिनों से मैं बार बार फोन कर रहा हूँ उनको कि आके आप ले जाओ, आपके आके आप ले जाओ, वो नहीं लेके जा रहे। वो इसलिए नहीं लेके जा रहे आंटी जी क्योंकि इन्होंने तुहाडे घर लेना है, मैं स्वरूप देते पैसे लेवांगे नहीं, फ्रेमिंग दे पैसे लवांगा। तो मुझे ये स्वरूप अपने आप ही मिल गया, और तब से जय गुरु जी विराजमान है मेरे पास, पीछे वाला स्वरूप भी मेरे को मिल गया। और आगे फिर और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ ऐसी है कि हमें अराउंड अगेन इन दी मंथ ऑफ मे बी जनवरी और दिसंबर, गुरुजी मेरे को काफ़ी सपने में भी आते हैं, बताते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, समझाते भी रहते हैं। और कई बारी जैसे हम इंसान हैं, कई बारी जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ उनके सामने बैठ के बात करती हूँ तो मुझे डांट भी पड़ती है उनसे कि तू फिर भी निंदा करती रहती है, तू फिर भी इरिटेट होती है,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਚੜ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪੜਤੀ ਉਨਸੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਵੱਛ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਸੇ ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਅਭੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਰੀਟੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੀ ਹੂੰ ਅਭੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ 2020 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਾ ਹਮੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਡਾਇੰਗ, ਤੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਕ ਟੂ ਮੀ। ਤੋ ਮੰਮੀ ਕੋ ਫੋਨ ਕੀਆ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਡੈਡੀ ਐਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਨਕੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਮੀ ਕੋ ਵੀ ਬੋਲਾ, ਡੈਡੀ ਕੋ ਵੀ ਬੋਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਨਕੋ ਬੋਲੋ। ਰਾਤ ਕੋ ਜਬ ਸੋਈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੈਡੀ ਪੇ ਕਸ਼ਟ ਮਤ ਆਨੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਕੋ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਤਨਾ ਸਾਹਸ ਉਖੜ ਗਿਆ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ਡ। ਤੋ ਕੁਛ ਕਸ਼ਟ ਥਾ ਡੈਡੀ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਸੈਟਰਡੇ ਕੋ, ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਡੇਟ ਵਾਜ਼ 11th ਆਫ ਜਨਵਰੀ, 12th ਕੋ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਕੇ। 13th ਕੋ ਪਤਾ ਚਲਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਡੈਡੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ 13th ਸੁਬਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਆਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਥੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਉ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਆਪਕੋ ਧੱਕ ਵੀ ਲੱਗਤਾ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਤੋ 14th ਕੋ ਸੁਬਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਾ ਫੋਨ ਫਿਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਕਿਆ ਡੈਡੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਥੀ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਡੈਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 14 ਕੋ 2:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਘਰ ਪੇ ਸੁਬਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਏ ਪੀਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਟ ਜ਼ਿੱਦ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੰਮੀ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਮੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ। ਤੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਹਾ, ਉਨਕਾ ਵਕਤ ਜੈਸਾ ਵੀ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਨਕੋ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੀ ਐਂਡ ਮੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਔਰ ਹੋਤੀ ਰਹੀ। ਡੈਡੀ ਕੀ ਡੈਥ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛਦੀ ਥੀ ਕੁਛ ਤੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਤੋ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਡੈਡੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੈਸੇ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੇਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੋ ਜਬ ਡੈਡੀ ਕਾ ਚੌਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਕੋ ਕੁਛ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਂਡ ਮੇ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਆਂਖੇ ਬੰਦ ਕੀ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੇ ਜੋ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕੇ ਘਰ ਮੇ, ਵੋ ਕਾਰਪੇਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ। ਵੋ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਕੁਛ ਅਬ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਝੇ ਯੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਸੇ ਵੀ ਉਨ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਪਾਈ, ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਡੈਡੀ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਕੋ ਦਿਖ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਕਭੀ ਹਮਨੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਨਸੇ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੁਝੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਮੁਝੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਵੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਕੋ ਗਾਈਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਥਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਿਨ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫੋਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰ ਵੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਵੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਤੀ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੂੰ ਜਬ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। ਤੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਥੀ ਬੁਆ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਜਬ ਬਾਤ ਕੀ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੇ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸੁਬਹ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ
तो फिर से क्योंकि प्रेयर्स में बहुत सारे लोगों के लिए प्रे करती हूँ, तो मैंने प्रे करते हुए बोला, मैंने कहा उसकी तो आप सुन लो ना गुरु जी। तो गुरु जी ने मुझे जवाब दिया कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, तो आज उसको तू ये मैसेज दे कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ। उन दिनों मेरे स्कूल में एनुअल डे की तैयारी चल रही थी, तो मैं उसमें भूल गई कि मेरे को ये मैसेज देना है। तो शाम को 5 बजे जब मैं स्कूल से निकली, तो मेरी भाभी का, जिनकी वो बेटी, उनका मैसेज आया था, जो मैसेज कभी भी नहीं आता कि सारिका तू कैसी है। तो वो एक इंडिकेशन था मुझे रिमाइंड कराने के लिए। वो भी देखो कैसे घूम फिर के, कैसे गुरुजी ने ही मैसेज भिजवाया, तो मुझे याद आया, अरे मेरे को तो गुरुजी का मैसेज देना था उनको, तो उनको मैसेज दिया। तो उसका फेथ भी इंक्रीज हो रहा है ओवर द डेज, काफ़ी सेवा करती है। तो गुरुजी उसको भी आप पार लगा देना उसकी नैया को। और थोड़े दिन पहले हम गुरुजी के मंदिर जाने लगे थे, तो बबली आंटी जिनकी मैंने बात की थी, उनकी कमर में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको वो कभी भी नहीं गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर, तो मैंने कहा मैं आपको लेके चलूंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला साथ लेके चलते हैं, तो वो और 3 जनों को साथ ले आई। मेरी जो हेल्प है घर पे, मैंने उसको भी बोला था, वो भी अपने बच्चे को साथ ले आया। तो गाड़ी मेरी पूरी भर गई, और मेरे हस्बैंड को इरिटेशन हो रही थी कि इतने सारे लोगों को तो ले चली है। तो मैंने बोला कि ये जिन जिन का लिखा है, जिसको गुरुजी ने बुलाना है, वो आज हमारे साथ शामिल होगा ही होगा। ये तो पता चल रहा था कि हस्बैंड को गुस्सा चढ़ रहा है। फिर पूरा रास्ता गुरुजी के भजन सुनती गई, और ये अरदास करती गई कि गुरुजी इतने पार्किंग अंदर मिल जाए तो बहुत भीड़ भी ना हो। एंड विल यू बिलीव इट, एक भी गाड़ी बाहर नहीं थी। जब हम वहाँ बड़े मंदिर पहुँचे, एक भी गाड़ी बाहर नहीं थी मेन रोड पे, मतलब इतना खाली था मंदिर, और हमें पार्किंग भी अंदर मिल गई थी, कोई लाइन नहीं थी। इतने खुले दर्शन उस दिन भी हमारे को हुए कि जय गुरुजी, आपने मेरी वहाँ भी लाज रख ली। तो छोटी सी छोटी छोटी बातें हैं, बट कहीं पे कनेक्शन है, कहीं पे गुरुजी हैं। और स्पेशली इस टाइम में जब लॉकडाउन भी खुल रहा है, और काफ़ी सत्संग सुनने को नहीं मिल रहे थे, ये लास्ट वाला सोनिया कथूरिया आंटियाँ हैं जिनका मैं सत्संग, काफ़ी सत्संग सुनती हूँ मैं यूट्यूब पर, उनसे मोटिवेट होके उन्होंने बार बार बोला कि तुम अपने सत्संग शेयर करो, तो दैट मोटिवेटेड मी। लेकिन मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी कैसे, रिकॉर्ड तो कर लूँगी लेकिन कैसे शेयर करूँगी। तो फिर यूट्यूब पे करते हुए लोगों ने जैसे अपने एक्सपीरियंस डालते हुए, तो एक फुलके पे ओम के दर्शन थे, तो वो पिक्चर किसी ने डाली हुई थी, उसको जैसे मैंने ऊपर किया, तो नितिन अंकल हैं कोई, उनका नीचे यूट्यूब पे व्हाट्सएप का मैसेज था कि अगर कोई संगत इंटरेस्टेड है अपने यूट्यूब पे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, तो वो कॉन्टैक्ट करें। तो ऐसे गुरुजी ने कैसे पहले मोटिवेट करवाया और फिर कैसे राह दिखा दी, तो ये आपके सामने मेरा सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी थोड़ा सा सावधान रहिएगा क्योंकि लॉकडाउन खुल रहा है, बहुत बहुत प्रिकॉशन रखिएगा। गुरुजी हमारे साथ हैं, और हमें और हमारे परिवारों को ब्लेस करते हैं। जय गुरु।